हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है TVS XL 100 iStroke सेल्फ स्टार्ट वाला वर्जन है। और गाड़ी में क्या है कि जब भी कस्टमर गाड़ी की सर्विस करवाते हैं या फिर इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तभी इसके ईयर फिल्टर में बहुत सारा ऑयल जाके जमा हो जाता है, जिस रीज़न से कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको मडगार्ड में दिखाएं तो ये देख पा रहे हैं, कंप्लीट प्रूफ के साथ आपको बताते चलते हैं। ये जो इसका डर्टी बना हुआ है, ये कंप्लीट इसका इंजन ऑयल जो होता है, न्यू इंजन ऑयल जैसे इसके अंदर रिप्लेसमेंट हुआ, इसके ईयर फिल्टर में जाके इस वाले दोनों पाइपलाइन में जमा हो चुका है कंप्लीट। अगर इसके ईयर फिल्टर को अभी आपको ओपन करके दिखाएंगे, कंप्लीट जो उसके अंदर फिल्टर में मोबिल चला गया होगा, तो कस्टमर जो बहुत सारे जगह पर दिखा चुके हैं, गाड़ी सर्विस भी करवा चुके हैं, जब भी गाड़ी का सर्विस करवाते हैं, जब भी इसके ईयर फिल्टर में ऑयल आना शुरू हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि यार फिल्टर में ऑयल क्यों जाता है, सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ऑटो डिकम्प्रेसर से जाता है या प्राइमरी गियर से जाता है या फिर गाड़ी राइट साइड से गिर जाने की वजह से आता है, सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने के बाद आपको सोल्यूशन बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आपको 4 से 5 ऐसे स्टेप बताएंगे जिसके बाद आपको वो काम करने के बाद कभी भी इन फ्यूचर आपके जो है ईयर फिल्टर में ऑयल नहीं जाएगा। तो मैकेनिक भाइयों, आप सभी को पता है कि मेरी जो वीडियो होती है कंप्लीट जो प्रूफ के साथ और 100% जो है सोल्यूशन के साथ होती है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टेप यूज करना शुरू करते हैं। आप देखिए किस तरह से कौन कौन सा हम स्टेप यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप, इंजन ऑयल जो होता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाना, जैसे यहाँ कंपनी अकॉर्डिंग दिया गया है 900 ml। इस जगह पे आपको अगर मार्क दिख रहा हो तो इस जगह पे 900 ml का इस जगह पे मार्क दिया हुआ है। अगर इससे अगर ज़्यादा इसके अंदर ऑयल फिलअप हो जाता है जब इसके जो है ईयर फिल्टर में चला जाता है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम चेक करते हैं कि इसका अंदर इंजन ऑयल कितना है। पहला स्टेप इंजन ऑयल का लेवल चेक करना। देखिए इंजन ऑयल एकदम नया है, अब इसका लेवल चेक करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कंपनी अकॉर्डिंग डबल यहाँ पे निशान दिया हुआ है, एक इस जगह पे मार्क दिया हुआ है, एक ऊपर मार्क दिया हुआ है। तो जब टाइट कर दीजिए फुल नीडल तो यहाँ पे आना चाहिए इंजन ऑयल इस वाले लेवल तक, और बिना टाइट किए इस वाले लेवल तक आना चाहिए। तो चलिए इसको पहले फुल्ली टाइट कर दो, देखते हैं यहाँ तक टच होता है या फिर इससे ज़्यादा जाता है। तो पहले हल्का सा इसको हम हल्के हाथों से टाइट करके आपको लाइव प्रूफ करते चलेंगे और आपको 100% सोल्यूशन तक ले चलेंगे कि गाड़ी में फिल्टर में ऑयल बार बार क्यों जा रहा है, कहाँ से है प्रॉब्लम, ऑटो डिकम्प्रेसर खराब हो गया या फिर प्राइमरी गियर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसका इंजन ऑयल जो है ये ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, अगर फुल टाइट करने के बाद यहाँ तक आना चाहिए जबकि ये ऊपर चला जा रहा है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो इसके पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप गलत ग्रेड का इंजन ऑयल अटैच कर दीजिएगा उससे भी प्रॉब्लम होता है। यानी कंपनी अकॉर्डिंग इसके जो यूजर मैनुअल जिसमें लिखा हुआ है 10W13 का यूज करना है 10-30 का, वहाँ पे अगर आप 20-40 या फिर 10-50 जो 10W15 20W14 इस तरह से जो आप यूज कीजिएगा उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो दूसरा ये पॉइंट हो गया, पहला इंजन को ऑयल लेवल ज़्यादा होना, दूसरा हमारा जो है इंजन ऑयल का ग्रेड सही ना होना, तीसरा क्या है कि गाड़ी जब भी हमारी गाड़ी राइट साइड गिर जाती है, जैसे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करवा दें, ये देखिए इसका ब्रेक यू टूट गया, यानी इसकी गाड़ी राइट साइड गिरी थी। तो जब भी गाड़ी राइट साइड गिरती है तो एक पाइपलाइन बना होता है, चलिए आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कौन सा पाइपलाइन है और उसके थ्रू इंजन ऑयल में हेड का ऑयल चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस पाइपलाइन के बारे में, जब भी गाड़ी राइट साइड गिरती है तो यहाँ से इधर से ऑयल आते हुए इसके ईयर फिल्टर में चला जाता है। बहुत से हमारे मैकेनिक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले फ्लेंच वाले एरिया से आता है, बट फ्लेंच वाले एरिया से नहीं जाता, इस वाले पाइपलाइन से जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी इसके अंदर ऑयल जमा है जो टाइम टाइम पे यहाँ पे निकलता रहता है, और इसके इस वाले साइड भी बहुत ज़्यादा डर्ट बना हुआ है। चलिए सबसे पहले इसके ईयर फिल्टर को ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये इसका थर्ड स्टेप था, इस वाले एरिए से आता है। अब चौथा स्टेप इसका डिकम्प्रेसर है और पांचवा इसका है इसका प्राइमरी गियर। तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करके आपको चेकआउट करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसके अंदर है कहाँ से। उससे पहले इसके फिल्टर को आपको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा अभी ऑयल फिलअप है। जैसे इसके ईयर फिल्टर वाले एरिया को ओपन किए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा और रिसाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो है इसका पाइपलाइन ये एकदम इसका फ्लो से भर चुका था,
तो अब इसके ऊपर से फ्लो होने लगा और ये देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल भरा हुआ है। तो इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले चलिए हम चेक करते हैं इसका प्राइमरी गियर, क्योंकि प्राइमरी गियर भी एक रीज़न होता है जिसके वजह से इसके यहाँ पे फिल्टर में ऑयल आता है और इसका कैमशाफ्ट भी प्रॉब्लम होता है, ऑटो डिकम्प्रेसर का प्रॉपर तरीके से कंप्रेस नहीं कर पाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके प्राइमरी गियर को ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं क्या प्राइमरी गियर घिस चुका है और प्राइमरी गियर का कौन सा पॉइंट ख़राब होने से साउंड करता है और कौन सा पॉइंट ख़राब होने से इसके एयर फिल्टर में ऑयल जाता है। तो चलिए इसके क्लच साइड को ओपन करते हैं और प्राइमरी गियर चेकआउट करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके कंप्लीट ओपन कर चुके हैं, ये इसका क्लच शू है और ये इसका प्राइमरी गियर है, बट लग नहीं रहा कि प्राइमरी गियर ख़राब है क्योंकि यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा है, 900 ml इसका जो क्वांटिटी होता है उससे ज़्यादा ही इसके अंदर ऐड किया गया है इंजन ऑयल। फिर भी क्या है कि इसे ओपन जब किए हैं तो इसे एक बार खोल के चेक कर लेना ज़रूरी है कि इसका प्राइमरी गियर सही है या ख़राब। तो चलिए इसके क्लच शू को ओपन करते हैं और उसके बाद प्राइमरी गियर को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे इसके तीन नट लगे होते हैं, इसको ओपन करने के बाद इसका कवर निकल आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक नट लगा होता है, ये हमारा उल्टा खुलता है जब इसे टाइट करेंगे, जब ये खुलेगा और जब इसे खोलेंगे जब इसे ये टाइट होगा, बहुत सारे पहले वीडियो में बता रखे हैं कि ये उल्टा खुलता है। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसे ओपन करके इसको सिर्फ चेक करना है कि सही है या ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे आप कैंची का उपयोग कर सकते हैं या फिर नॉर्मल इस तरह से ब्रैकेट रोड का उपयोग कर सकते हैं जिसके मदद से आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। सिर्फ आपको स्टेप बताते चलते हैं, वैसे भी आप इजीली कर लीजिएगा मुझे पता है। तो चलिए इसके जो क्लच शू और इसके हाउजिंग वगैरह सब कम्प्लीटली बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इन सब का भी काम मुझे करना है नहीं। तो डायरेक्ट ये प्राइमरी गियर को निकालते हैं, ये डायरेक्ट जो हमारा किक के शाफ्ट से अटैच होता है तो इसको थोड़ा सा पुश करके इस तरह से अप डाउन करके निकाल लेना रहता है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं क्योंकि टाइमिंग चेन का गरारी भी अटैच हो रहा है। तो ये इसका प्राइमरी गियर मैंने ओपन कर लिया है और ये जो है बीच वाले पोर्शन भी इसका एकदम सही है, एक ज़रा सा भी हिस्सा नहीं है और इसमें ज़्यादा प्ले भी अभी आया हुआ नहीं है। और मोबाइल जो मेन उठाने का रीज़न है ये पोर्शन इसका घिस जाता है, प्लस ये सारे टीथ साउंड करते हैं जब घिस जाता है, तो इसका अभी कोई सा भी वैसा पार्ट्स घिसा हुआ नहीं है, तो यानी प्राइमरी गियर इसका एकदम परफेक्ट है, प्राइमरी गियर से कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसको हम परफेक्ट आपको रिजल्ट दिखाते हैं इसको लगाने के बाद कि क्या इसका इंजन ऑयल का लेवल हम कम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेवल है। और प्राइमरी गियर अगर आप सारी चीज़ों को स्टेप करके थक चुके हैं तो प्राइमरी गियर आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यही गियर भी बहुत से बार इसके एयर फिल्टर में ऑयल चढ़ा देता है। तो चलिए इसको असेंबल कर देते हैं क्योंकि अभी ये ख़राब नहीं है, जब ये ख़राब होता है जब वहाँ पे घिसा हुआ पूरा आइकन दिखता है और इधर इधर पूरा डस्ट आपका आ जाएगा पूरा घिस के, और उस कंडीशन में सिर्फ ये ईयर फिल्टर में ऑयल नहीं चढ़ेगा साउंड भी करेगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हॉल मिलाना पड़ता है बैरिंग में, तो चलिए इसको लगा लेते हैं फिर सारी चीज़ों को डायरेक्टली असेंबल करके आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को असेंबल कर दिए हैं और इधर से इसका लीकेज था, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कस्टमर को लग रहा था कि ऑयल का लीकेज हो रहा है उसी रीज़न से और एक्स्ट्रा ऑयल फिलअप कर रहे थे, बट मेरा जो स्टेप था चेकआउट करने का कहाँ से प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल देंगे और इसलिए फिटिंग का नहीं दिखाएं क्योंकि ऑलरेडी उस सारे चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, टाइमिंग चेन कैसे बदलना है, क्लच शू कैसे बदलना है, इसके इंजन का कैसे काम करना है, सेल्फ असेंबली कहाँ पे लगा हुआ, सारे चीज़ों के ऊपर वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं प्रॉब्लम क्या था इसमें। तो इसके फिल्टर में जो ऑयल चढ़ने का मेन रीज़न था, यहाँ पे देखें इसका 900 ml ऑयल इसके डब्बे में पैक कर चुके हैं और इसका इतना सारा ऑयल एक्स्ट्रा इसके अंदर से दिखने को मिला है और पहले कितना ज़्यादा और ईयर फिल्टर में गया है वो अलग से, यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल का फिलअप होने की वजह से ईयर फिल्टर में ऑयल जा रहा था। तो आप कोशिश करें कि जब आप ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हो तो ये सारे स्टेप आप यूज करके चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो थोड़ा सा आप इंजन ऑयल का क्वांटिटी कम कर दें। तो देख पा रहे इसी तरह से आपको स्टेप यूज करना है, इसके ऑयल चेक करना है, ग्रेड चेक करना है, प्राइमरी गियर चेक करना है, कैमशाफ्ट चेक करना है और आपकी गाड़ी राइट साइड गिरी ना हो, तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन निकल आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।